10 हेलोवीन। मैलफॉय को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ जब उसने देखा कि हैरी और रॉन अगले दिन भी हॉगवर्ट्स में ही थे। वे थके हुए परंतु पूरी तरह से खुश दिख रहे थे। वास्तव में अगली सुबह तक हैरी और रॉन सोच रहे थे कि तीन सिर वाले कुत्ते से मुलाकात एक बहुत अच्छा रोमांचक अभियान था और वे इसी तरह का एक आध और रोमांचक काम करने के लिए उत्सुक थे। इस बीच हैरी ने रॉन को उस पैकेट के बारे में बता दिया जिसे शायद ग्रिंगॉट्स से निकाल कर हॉगवर्ट्स में रखा गया था। वे काफी समय तक सोचते रहे कि आखिर ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जिसे इतनी भारी सुरक्षा की जरूरत थी। वह या तो सचमुच कीमती होगी या खतरनाक, रॉन ने कहा। या दोनों ही, हैरी बोला, परंतु वे विश्वास के साथ सिर्फ इतना ही कह सकते थे कि वह रहस्यमय वस्तु लगभग 2 इंच लंबी थी और जब तक उन्हें कोई और सुराग ना मिल जाए तब तक वे इससे ज्यादा अंदाजा लगाने की स्थिति में नहीं थे। ना तो नेविल ने और ना ही हरमाइनी ने इस बात में जरा भी रुचि दिखाई कि कुत्ते और चोर दरवाजे के नीचे क्या छुपा हो सकता था। नेविल तो बस इतना जानता था कि वह दोबारा उस कुत्ते के पास कभी नहीं जाएगा। हरमाइनी ने अब हैरी और रॉन से बोलचाल बंद कर दिए थे, परंतु चूंकि वह मैं सब कुछ जानती हूँ किस्म की थी, इसलिए उन्हें इससे भी अपना फायदा ही नजर आया। वे अब सिर्फ इतना चाहते थे कि मैलफॉय से किसी तरह बदला ले सके और उन्हें तब बहुत खुशी हुई जब एक सप्ताह बाद ही ऐसी एक चीज डाक से आ गई। जब उल्लू हमेशा की तरह बड़े हॉल में घुसे तो सबका ध्यान एक लंबे और पतले पैकेट पर गया जिसे 6 बड़े भुक्कू उल्लू उड़ाकर ला रहे थे। हर एक की तरह हैरी की रुचि भी यह देखने में थी कि इस बड़े पैकेट में क्या था। उसे बहुत आश्चर्य हुआ जब भुक्कू नीचे आए और उन्होंने पैकेट को उसी के सामने पटक दिया। पैकेट के गिरने से उसका नाश्ता फर्श पर गिर गया। भुक्कू अभी उठकर रास्ते से हटे भी नहीं थे कि तभी एक उल्लू वहां आया और उसने पैकेट के ऊपर एक चिट्ठी टपका दी। यह अच्छा रहा कि हैरी ने चिट्ठी को पहले खोला क्योंकि उसमें लिखा था, पैकेट को टेबल पे मत भूलना, इसमें तुम्हारी नई निम्बस 2000 है, परंतु मैं नहीं जानती कि यह बात सबको पता चल जाए कि तुम्हें जादुई झाड़ू मिल गई है, वरना उन सबकी इच्छा होने लगेगी। ओलिवर वर्ड तुम्हें आज रात को 7 बजे क्विडिच पिच पर मिलेगा जहां तुम पहली बार इस खेल को सीखोगे, प्रोफेसर एम मैकगोनिगल। हैरी ने जब चिट्ठी रॉन को पढ़ने को दी तो उसकी खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। निम्बस 2000, रॉन ने एशिया से कहा, मैंने तो आज तक उसे छुआ भी नहीं है। वे हॉल से जल्दी चले आए क्योंकि वे अपनी क्लास से पहले अकेले में जादुई झाड़ू खोलकर देखना चाहते थे। अभी वे प्रवेश हॉल से आधी दूरी पर ही पहुंच पाए थे कि तभी उन्होंने देखा कि ऊपर जाने वाली सीढ़ियों पर क्रैब और बॉयल रास्ता रोककर खड़े थे। मैलफॉय ने हैरी से पैकेट छीन लिया और उसे उंगलियों से टटोला। यह तो जादुई झाड़ू है, उसने कहा और उसे हैरी की तरफ फेंकते हुए ऐसा चेहरा बनाया जिस पर ईर्ष्या और नफरत के मिले जुले भाव थे। इस बार तुमने हद पार कर दी है पॉटर, फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों को जादुई झाड़ू रखना मना है। रॉन अपने आप को रोक नहीं पाया। यह कोई पुरानी जादुई झाड़ू नहीं है, उसने कहा, यह तो निम्बस 2000 है। तुमने क्या कहा था, तुम्हारे घर में कौन सी झाड़ू है? कॉमेट 260, रॉन ने हैरी की तरफ दांत निकालते हुए कहा। कॉमेट में तड़क भड़क तो होती है परंतु वो निम्बस जितनी अच्छी नहीं होती। इस बारे में तुम क्या जानो वीजली, तुम तो इसका आधा हैंडल भी नहीं खरीद सकते, मैलफॉय ने पलट कर जवाब दिया। मुझे लगता है तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को तो पाई पाई करके जोड़कर इसकी एक एक डंडी खरीदनी पड़ेगी। इससे पहले कि रॉन जवाब दे पाए, प्रोफेसर फिल्टविक मैलफॉय की कोहनी के पास खड़े थे। झगड़ तो नहीं रहे बच्चों, उन्होंने पूछा। पॉटर को किसी ने जादुई झाड़ू भेजी है प्रोफेसर, मैलफॉय ने जल्दी से कहा। हाँ हाँ सही है, प्रोफेसर फिल्टविक ने हैरी की तरफ मुस्कुराकर देखते हुए कहा। प्रोफेसर मैकगोनिगल ने मुझे विशेष परिस्थितियों के बारे में बताया था पॉटर, और ये कौन सा मॉडल है? निम्बस 2000 सर, हैरी ने कहा। मैलफॉय के चेहरे पर दहशत के भाव देखकर हैरी से अपनी हंसी नहीं रोकी जा रही थी। और सच कहा जाए तो मुझे मैलफॉय को धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि उसी की वजह से मुझे ये मिली है, उसने आगे कहा। हैरी और रॉन ऊपर की मंजिल की तरफ चल पड़े। मैलफॉय के गुस्से और उलझन को देखकर वे अपनी हंसी दबाने की कोशिश कर रहे थे। जब वे संगमरमर की सीढ़ियों के ऊपर पहुंचे तो हैरी ने हंसते हुए कहा, और क्या, यह सच ही तो है। अगर उसने नेविल का भूल ना जाना नहीं चुराया होता तो मैं टीम में नहीं होता। तो तुम्हें लगता है यह नियम तोड़ने का इनाम है? उनके ठीक पीछे से गुस्से भरी आवाज आई। हरमाइनी सीढ़ियों पर पैर पटकते हुए ऊपर
रही थी और हैरी के हाथ में रखे पैकेट को चिढ़कर देख रही थी। मैं तो समझ रहा था कि आप हमसे बात नहीं कर रही थी, हैरी ने कहा। हाँ, अब ऐसा करना बंद मत कीजिए, रॉन ने कहा, इससे हमारा बहुत भला हो रहा है। हरमाइनी हवा में अपनी नाक तान कर पैर पटकती हुई चली गई। उस दिन हैरी का मन क्लास में नहीं लग रहा था, उसका मन तो अपने कमरे में ही भटक रहा था, जहाँ उसकी नई जादुई झाड़ू बिस्तर के नीचे पड़ी हुई थी, या फिर उसका मन क्विडिच की पिच की तरफ भटक रहा था, जहाँ वह उस रात क्विडिच सीखने जाने वाला था। उसने शाम को फटाफट अपना डिनर खाया और उसे यह भी पता नहीं था कि वह क्या खा रहा था। फिर वह रॉन के साथ तेजी से दौड़कर ऊपर की मंजिल पर गया, ताकि आखिरकार वह अपनी नई निम्बस 2000 खोलकर देख सके। जब जादुई झाड़ू हैरी के बिस्तर पर खुलकर बाहर आई तो रॉन के मुंह से आ निकल गई, वाह। हैरी जादुई झाड़ू के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, परंतु उसे भी यह बेहतरीन लगी। पतली और चिकनी जादुई झाड़ू पर महागनी का हैंडल लगा था, साफ और सीधी टहनियों की लंबी पूंछ थी और ऊपर की तरफ सुनहरे शब्दों में लिखा था निम्बस 2000। जब 7 बजे का समय पास आया तो हैरी महल से निकला और धुनलके में क्विडिच पिच की तरफ चल दिया। वह इससे पहले कभी स्टेडियम में नहीं आया था। पिच के चारों तरफ सैकड़ों सीटें स्टैंड्स में उठी हुई थी, ताकि दर्शक इतनी ऊंचाई पर रहे जहां से वे देख सके कि क्या हो रहा था। पिच के दोनों सिरे पर 3 सुनहरे खंभे थे, जिनके कोनों में रिंग लगी थी। उन्हें देखकर हैरी को प्लास्टिक के वे छोटी छड़ियां याद आ गईं, जिनसे बच्चे बुलबुले निकालते थे। फर्क सिर्फ इतना था कि यह खंभे 50 फुट ऊंचे थे। हैरी उड़ने के लिए इतना उतावला था कि उसने बुड का इंतजार नहीं किया। वह अपने जादुई झाड़ू पर चढ़ा और जमीन पर पैर मारे। क्या एहसास था! वह गोल पोस्ट के अंदर और बाहर उड़ता रहा और फिर पिच पर इधर से उधर तेजी से चक्कर लगाता रहा। निम्बस 2000 उनके हल्के से इशारे पर मुड़ जाती थी। अरे पॉटर, नीचे उतरो, ऑलिवर वुड आ चुका था। उनकी बाह में लकड़ी का एक बड़ा बक्सा था। हैरी उसके पास जमीन पर उतर आया। बहुत बढ़िया, वुड ने कहा और उसकी आंखें चमक रही थी। मैं समझ सकता हूँ मैगोनिगल का क्या मतलब था। तुम में सचमुच पैदाइशी प्रतिभा है पॉटर। मैं आज शाम तुम्हें सिर्फ नियम सिखाऊंगा, इसके बाद तुम्हें सप्ताह में 3 दिन टीम के साथ प्रैक्टिस करनी होगी। उसने बक्सा खोला। अंदर 4 अलग अलग आकार की गेंदें थी। देखो, वुड ने कहा, क्विडिच को समझना बहुत आसान है, हालांकि इसे खेलना उतना आसान नहीं है। हर टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं, इसमें से 3 को धावक कहा जाता है। 3 धावक, हैरी ने दोहराया जब वुड ने फुटबॉल के आकार की एक चमकीली लाल गेंद बाहर निकाली। वुड ने कहा, इस गेंद को तूफान कहते हैं। धावक तूफान को एक दूसरे को देते हैं और कोशिश करते हैं कि इसे रिंग में डालकर गोल कर दें। तूफान के रिंग में जाने पर हर बार 10 पॉइंट मिलते हैं, समझ गए? धावक तूफान को फेंकते हैं और स्कोर करने के लिए इसे रिंग में डालते हैं, हैरी ने दोहराया। तो यह एक तरह से बास्केटबॉल है, जो जादुई झाड़ू पर सवार होकर 6 रिंगों के साथ खेला जाता है ना? बास्केटबॉल क्या होता है, वुड ने उत्सुकता से पूछा। कुछ नहीं, हैरी ने जल्दी से कहा। अब दोनों टीमों में एक और खिलाड़ी होता है, जिसे रक्षक कहते हैं। मैं गणद्वार का रक्षक हूँ। मैं अपने रिंग के चारों तरफ उड़ता हूँ और दूसरी टीम को स्कोर करने से रोकता हूँ। 3 धावक, 1 रक्षक, हैरी ने कहा, जो सब कुछ याद रखने के इरादे से आया था। और वे तूफान के साथ खेलते हैं, ठीक है, मैं इतना समझ गया। तो बाकी गेंदे किस लिए? उसने बक्से में रखी बाकी 3 गेंदों की तरफ इशारा किया। अभी बताता हूँ, वुड ने कहा, इसे पकड़ो। उसने हैरी को एक छोटा सा डंडा दिया, जो कुछ कुछ बेसबॉल के बल्ले की तरह था। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि पहलवान क्या करते हैं, वुड ने कहा। इन दोनों गेंदों को पहलवान कहते हैं। उसने हैरी को एक जैसी 2 गेंदें दिखाई, जो पूरी तरह से काली थीं और लाल तूफान से थोड़ी छोटी थीं। हैरी ने देखा कि वे उन रस्सियों को बाहर आने के लिए झटपटा रही थी, जिनकी वजह से वे बक्से के अंदर बंद थीं। पीछे हट जाओ, वुड ने हैरी को चेतावनी दी। वह झुका और उसने एक पहलवान की रस्सी खोल दी। काली गेंद तत्काल हवा में ऊपर उठी और फिर सीधे हैरी के चेहरे की तरफ झपटी। अपनी नाक टूटने के खतरे से बचने के लिए हैरी ने उस बल्ले से मारा और गेंद एक बार फिर हवा में सनसनाती चली गई। वह उनके सिर के ऊपर चारों तरफ चक्री की तरह कुछ देर घूमी और फिर वुड की तरफ झपटी, जो बचता हुआ उसके ऊपर कूदा और उसे जमीन पर गिराकर पकड़ लिया। देखा, वुड हाँफ रहा था। जूझ रहे पहलवान को उसने वापस बक्से में बंद किया और सुरक्षित तरीके से बांध दिया।
पहलवान चारों तरफ रॉकेट की तरह घूमते हैं और खिलाड़ियों को उनकी झाड़ू से गिराने की कोशिश करते हैं। इसलिए हर टीम में दो मारक होते हैं। वीजली बंधु हमारे मारक हैं। यह उनका काम है कि वे पहलवानों से टीम को बचाएं और उन पर प्रहार करके उन्हें दूसरी टीम की तरफ भेजें। तो मुझे लगता है तुम अब सब समझ गए होंगे। तीन धावक तूफान से स्कोर करने की कोशिश करते हैं, एक रक्षक गोल की रक्षा करता है, दो मारक पहलवानों को अपनी टीम से दूर रखते हैं, हैरी ने दोहराया। बहुत अच्छे, वुड ने कहा। वैसे क्या पहलवानों ने कभी किसी को जान से मारा है, हैरी ने पूछा, और वह कोशिश कर रहा था कि वुड को इस सवाल में उसके डर की छाया दिखाई ना दे। हॉगवर्ट्स में तो ऐसा कभी नहीं हुआ। यहाँ पर एक दो के जबड़े टूटे हैं, पर इससे ज्यादा बुरा कुछ नहीं हुआ। अब टीम का आखिरी सदस्य है खोजी, यानी कि तुम, और तुम्हें तूफान या पहलवान के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है जब तक कि वे मेरा सिर ना फोड़ दें। चिंता मत करो, बिजली बंधु पहलवानों से निपटने के लिए काफी हैं। मेरा मतलब है वे खुद पहलवानों से कम नहीं हैं। वुड ने बक्से में हाथ डाला और चौथी तथा आखिरी गेंद को बाहर निकाला। तूफान और पहलवानों की तुलना में यह बहुत छोटी थी। बड़े अखरोट के आकार की यह गेंद चमकदार सुनहरी थी और इसमें फड़फड़ाते हुए चांदी के छोटे पंख लगे थे। वुड ने कहा, यह सुनहरी गेंद है जो सबसे महत्वपूर्ण गेंद होती है। इसे पकड़ना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि यह इतनी तेज है कि आसानी से नहीं दिखती। सुनहरी गेंद को पकड़ना खोजी का काम है। तुम्हें धावक, मारक, पहलवान और तूफान के बीच से होते हुए इसे पकड़ना है, इससे पहले कि दूसरी टीम का खोजी इसे पकड़ ले, क्योंकि जो खोजी सुनहरी गेंद को पकड़ता है वह अपनी टीम को 150 पॉइंट दिलाता है, इसलिए उसकी टीम लगभग हमेशा जीत जाती है। इसलिए खोजियों के खिलाफ बहुत ज्यादा फाउल होते हैं। क्विडिक का मैच तभी खत्म होता है जब सुनहरी गेंद पकड़ ली जाए, और यह मैच बरसों तक चल सकता है। मुझे लगता है कि रिकॉर्ड 3 महीने का है। उस मैच में बार बार रिजर्व खिलाड़ी उतारने पड़े ताकि खिलाड़ी कुछ देर सो सके। तो ऐसा होता है क्विडिच, कोई सवाल? हैरी ने अपना सिर हिलाया। वह समझ गया कि उसे क्या करना था। समस्या बस उसे करने में थी। हम इस वक्त सुनहरी गेंद के साथ प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वुड ने गेंद को सावधानी से बक्से में बंद करते हुए कहा। अंधेरा हो गया है, यह गुम सकती है। इसके बजाय हम इनसे प्रैक्टिस करते हैं। उसने अपनी जेब से गोल्फ की साधारण गेंदों का बैग निकाला तथा कुछ मिनट बाद वह और हैरी हवा में उड़ रहे थे। वो जितनी तेजी से गोल्फ बॉल को फेंक सकता था हर दिशा में फेंक रहा था ताकि हैरी उसे पकड़ सके। हैरी ने हर गेंद पकड़ ली और वो बहुत खुश था। आधे घंटे बाद सचमुच रात हो गई और उन्हें अपना खेल बंद करना पड़ा। जब वे महल की तरफ लौटे थे तो वो खुशी से चहकते हुए कह रहा था, इस साल क्विडिच कप पर हमारा नाम लिखा होगा। मुझे हैरानी नहीं होगी अगर तुम चार्ली वीजली से भी अच्छे खिलाड़ी निकलो, और यह कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि अगर चार्ली ड्रैगनों के पीछे नहीं गया होता तो वह इंग्लैंड के लिए खेल सकता था। सप्ताह में 3 दिन हैरी शाम को क्विडिच की प्रैक्टिस करता था और होमवर्क तो रोज ही करना पड़ता था। शायद इसीलिए कि वह इतना व्यस्त रहता था, उसे एहसास ही नहीं हुआ कि उसे हॉगवर्ट्स आए 2 महीने हो चुके हैं। हैरी को यकीन नहीं हो रहा था। महल उसे अपने घर की तरह लगने लगा था, जबकि प्राइवेट ड्राइव में उसे ऐसा कभी नहीं लगा। उसकी क्लासें भी अब पहले से अधिक दिलचस्प हो गई थी, क्योंकि अब वह मूलभूत बातें सीख चुका था। जब वे लोग हैलोवीन के दिन सुबह उठे तो कद्दू भुनने की जायकेदार गंध गलियारों में तैर रही थी। इससे भी अच्छी बात यह थी कि प्रोफेसर फेल्डविक ने सम्मोहन की क्लास में यह कहा कि उनके विचार से अब वे चीजों को उड़ा सकते थे। ऐसा करने के लिए वे तब से बेताब थे जब फेल्डविक ने उनके सामने नेविल के मेंढक को पूरी क्लास में उड़ाकर दिखाया था। प्रोफेसर फेल्डविक ने प्रैक्टिस करने के लिए क्लास में उनकी जोड़ियां बना दी। हैरी का पार्टनर सीमस फिनिगन था, जो राहत की बात थी क्योंकि नेविल उसका ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा था। बहरहाल रॉन को हरमाइनी ग्रेंजर के साथ काम करना पड़ा। यह बताना मुश्किल था कि इस वजह से रॉन ज्यादा गुस्सा था या हरमाइनी। जिस दिन हैरी की जादुई झाड़ू आई थी उस दिन से बाद से हरमाइनी ने उन दोनों से बात तक नहीं की थी। आप लोग जिस तरह कलाई घुमाने का अभ्यास कर रहे हैं उसे मत भूलना, प्रोफेसर फेल्डविक ने चिचियाती आवाज में कहा। हमेशा की तरह वे आज भी अपनी किताबों के ढेर पर बैठे हुए थे। घुमाना और झटकना, याद रहेगा ना, घुमाना और झटकना। और जादुई शब्दों को सही तरह से बोलना भी महत्वपूर्ण है। बेरुफियो नाम के जादूगर को कभी मत भूलना, जिसने एफ के बजाय एस कह दिया था
और नतीजा यह हुआ कि अगले ही पल वह जमीन पर पड़ा था और उसके सीने पर एक भैंसा खड़ा था। यह बहुत मुश्किल था। हैरी और सीमस ने घुमाया और झटका, परंतु जिस पंख को वो हवा में ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे थे वो टेबल पर ही पड़ा रहा। सीमस इतना बेचैन हो गया कि उसने अपनी छड़ी से पंख को हिलाया और इस पर आग लगा दी। हैरी को अपने हैट से ये आग बुझानी पड़ी। अगली टेबल पर रॉन की किस्मत बेहतर नहीं थी। विंगार्डियम लेवियोसा, वह चिल्लाया। वह अपनी लंबी बाहों को पवन चक्की की तरह हिला रहा था। तुम इसे गलत तरह से बोल रहे हो। हैरी ने सुना कि हरमाइनी रॉन को झिड़क रही थी। यह विंगार्डियम लेवियोसा है। इसे गार को थोड़ा अच्छा और लंबा करो। अगर तुम में इतनी अकल है तो तुम ही क्यों नहीं कर लेती, रॉन गुर्राया। हरमाइनी ने अपने गाउन की बाहें चढ़ाई, छड़ी हिलाई और बोली, विंगार्डियम लेवियोसा। उसका पंख टेबल पर से उठा और उनके सिर से 4 फुट ऊपर उठा और हवा में झूलने लगा। आहा, बहुत बढ़िया, प्रोफेसर फ्लिटविक ने ताली बजाते हुए कहा। सब लोग देखो, मिस ग्रेंजर ने यह कर दिखाया है। क्लास खत्म होने तक रॉन बहुत बुरे मूड में आ गया था। जब वे भीड़ भरे गलियारे में रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे थे तो रॉन ने हैरी से कहा, कोई हैरानी नहीं कि कोई भी उसे सहन नहीं कर पाता। सच पूछो तो वह किसी बुरे सपने की तरह है। किसी ने पास से गुजरते समय हैरी को धक्का दिया। यह हरमाइनी थी। हैरी को उसके चेहरे की एक झलक दिखी और वह यह देखकर हैरान हुआ कि उसकी आंखों में आंसू भरे थे। मुझे लगता है उसने तुम्हारी बात सुन ली, तो रॉन ने कहा, परंतु वह थोड़ा परेशान दिख रहा था। उसे यह एहसास होना चाहिए कि कोई उसका दोस्त नहीं है। हरमाइनी अगली क्लास में नहीं आई और पूरी दोपहर कहीं नहीं दिखी। जब हेलोवीन की दावत के लिए हैरी और रॉन बड़े हॉल में जाने के लिए नीचे उतर रहे थे तो पार्वती पाटिल और लैवेंडर की बातें उनके कानों में पड़ी। पार्वती लैवेंडर को बता रही थी कि हरमाइनी लड़कियों के बाथरूम में रो रही थी और चाहती थी कि उसे अकेला छोड़ दिया जाए। रॉन यह सुनकर अब और भी परेशान हो गया, परंतु एक पल बाद ही वे बड़े हॉल में पहुंच गए जहां हेलोवीन की सजावट देखकर वे हरमाइनी को भूल गए। 1,000 जिंदा चमगादड़ दीवारों और छतों से फड़फड़ाते हुए आए, जबकि 1,000 और चमगादड़ काले बादलों की तरह टेबल के ऊपर मंडराते रहे, जिस वजह से कद्दूओं में रखी मोमबत्तियां हिलने लगी। दावत अचानक सुनहरी प्लेटों के सामने आई, सत्र की शुरुआती दावत की तरह। हैरी अपनी प्लेट में एक भुना आलू रख रहा था कि तभी प्रोफेसर क्विरेल हॉल में दौड़ते हुए आए। उनकी पगड़ी अस्त व्यस्त थी और उनके चेहरे पर दहशत के भाव थे। सबका ध्यान उन्हीं की तरफ था जब वे प्रोफेसर डम्बलडोर की कुर्सी के पास पहुंचे और टेबल पे हाथ रखकर हांफते हुए बोले, दैत्य तहखाने में घुस आया है, सोचा आपको बता देना चाहिए। फिर वे बेहोश होकर फर्श पर लुढ़क गए। हंगामा मच गया। सबको शांत करने के लिए प्रोफेसर डम्बलडोर को अपनी छड़ी से कई बैंगनी पटाखे फोड़ने पड़े। प्रिफेक्ट्स, वे गर्जे, अपने अपने हाउसों को तत्काल उनके कमरों में ले जाइए। पर्सी तुरंत सक्रिय हो गया। मेरे पीछे पीछे आओ, इकट्ठे रहो फर्स्टियर। अगर तुम मेरे आदेशों का पालन करोगे तो दैत्य से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे ठीक पीछे आओ, जल्दी रास्ता छोड़िए, फर्स्ट ईयर के बच्चे आ रहे हैं। माफ कीजिए, मैं प्रिफेक्ट हूँ। दैत्य अंदर कैसे घुस सकता है, हैरी ने सीढ़ियां चढ़ते हुए पूछा। मुझे क्या पता, वैसे वे लोग सचमुच मूर्ख होते हैं, रॉन ने कहा। शायद पीज ने उन्हें अंदर घुसाकर हैलोवीन का मजाक किया हो। वे अलग अलग दिशाओं में तेजी से भागते लोगों के कई समूहों के पास से गुजरे। जब वे मेहनत कश के परेशान हाल बच्चों की भीड़ के बीच में से जा रहे थे तो हैरी ने अचानक रॉन का हाथ पकड़ लिया। मुझे अभी अभी ख्याल आया है, हरमाइनी। हरमाइनी, उसे दैत्य के बारे में नहीं पता है, रॉन ने अपना होंठ काट लिया। अच्छा ठीक है, उसने जवाब दिया, परंतु पर्सी से नजर बचाकर। नीचे झुकते हुए वे लोग मेहनत कश के बच्चों के साथ मिल गए जो दूसरी दिशा में जा रहे थे। फिर वे एक सूने गलियारे में चल दिए और इसके बाद तेजी से लड़कियों के बाथरूम की तरफ बढ़ने लगे। वे अभी मोड़ पर ही मुड़े थे कि तभी उन्हें अपने पीछे किसी की तेजी से आने की आवाज सुनाई दी। पर्सी, रॉन फुसफुसाया और उसने हैरी को पत्थर के एक बड़े गरुड़ के पीछे खींच लिया। उन्होंने गरुड़ के पीछे से झांक कर देखा कि पीछे आने वाला पर्सी नहीं बल्कि स्नेप था। वह गलियारे से गुजरा और उनकी निगाहों से ओझल हो गया। वह यहाँ क्या कर रहा है, हैरी बुदबुदाया। वह बाकी टीचर्स के साथ तहखाने में क्यों नहीं गया, मुझे क्या मालूम। बिना कोई आवाज किए वे स्नेप के ओझल होते कदमों के पीछे पीछे अगले गलियारे में आगे बढ़े। स्नेप तीसरी मंजिल की तरफ जा रहा है, हैरी ने कहा, परंतु रॉन ने अपना हाथ उठाया।
क्या तुम्हें बदबू आ रही है? हैरी ने सांस खींची और उसकी नाक में तेज बदबू घुसी, पुराने मोजों और कभी साफ न होने वाले सार्वजनिक टॉयलेट की बदबू जैसे एक साथ आ रही हो। और फिर उन्होंने एक आवाज सुनी, एक धीमी गुर्राहट और दैत्याकार कदमों के घिसकने की आहट। रॉन ने इशारा किया, बाएं तरफ के गलियारे के छोर पर कोई बड़ी सी चीज उनकी तरफ बढ़ रही थी। वे छायाओं में छुप गए। एक दैत्याकार चीज चांद की रोशनी में टुकड़े में उभरी। बहुत भयानक दृश्य था। वह 12 फुट ऊंचा था। उसकी चमड़ी फीके ग्रेनाइट की तरह भूरी थी। उसका थुलथुल शरीर किसी खंभे की तरह था और उस शरीर के ऊपर छोटा सा गंजा सिर किसी नारियल की तरह लगा हुआ था। उसके पैर छोटे किसी पेड़ के तने की तरह मोटे थे और पंजे सपाट और कांटेदार थे। उसके पास से बहुत बुरी बदबू आ रही थी। वह एक बड़ा सा लकड़ी का मुदगर पकड़े था जो फर्श पर घिसट रहा था क्योंकि उसके हाथ बहुत लंबे थे। दैत्य एक दरवाजे के पास आकर रुका और उसके अंदर झांका। उसने अपने लंबे कान हिलाए और अपने छोटे से दिमाग से कुछ सोचा और फिर वह झुककर कमरे में घुस गया। चाबी दरवाजे में लगी हुई है, हैरी बुदबुदाया। हम इसे अंदर बंद कर सकते हैं। बहुत बढ़िया विचार है, रॉन ने घबराते हुए जवाब दिया। वे खुले दरवाजे की तरफ धीमे धीमे बढ़े। उनके होंठ सूख रहे थे और वे भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि दैत्य बाहर न निकल आए। एक लंबी छलांग लगाकर हैरी ने चाबी पकड़ी, दरवाजा बंद किया और ताला लगा दिया। हाँ, अपनी सफलता से खुश होकर वे लोग गलियारे में वापस दौड़ने लगे। लेकिन अभी वे मोड़ तक ही पहुंचे थे कि उन्होंने कुछ सुना जिसके कारण उनका दिल धक रह गया। एक तेज डरी हुई चीख, और यह उसी कमरे से आ रही थी जिस पर उन्होंने अभी अभी ताला लगाया। अरे नहीं, रॉन ने कहा, जो खूनी नवाब की तरह पीला पड़ गया था। वह लड़कियों का बाथरूम था, हैरी बोला। हरमाइनी, दोनों ने एक साथ कहा। वे यह काम बिल्कुल नहीं करना चाहते थे, परंतु उनके पास और कोई विकल्प भी तो नहीं था। पलटकर भागते हुए वे फिर से दरवाजे के पास पहुंचे और डर के कारण चाबी घुमाने में हड़बड़ी करते हुए हैरी ने दरवाजा खोला। वे लोग अंदर की तरफ दौड़े। हरमाइनी ग्रेंजर सामने वाली दीवार से थिकी खड़ी थी और ऐसा लग रहा था जैसे वे बेहोश होने वाली हो। दैत्य उसकी तरफ बढ़ रहा था और चलते चलते दीवारों में लगे वॉश बेसिन तोड़ता जा रहा था। इसका ध्यान हटाओ, हैरी ने बेचैन होकर रॉन से कहा और एक टोटी उठाकर पूरी ताकत से दीवार पर फेंकी। दैत्य हरमाइनी से कुछ फुट दूर रुक गया। वह चारों तरफ ताकता रहा, मूर्खतापूर्ण ढंग से आंखें मिचमिचाता रहा ताकि देख सके कि आवाज कहाँ से आई थी। उसकी छोटी कुटिल आंखों में हैरी ने देख लिया। वह झिझका, फिर हरमाइनी की बजाय हैरी की तरफ बढ़ा और चलते समय अपना मुदगर ऊपर की तरफ उठा लिया। अरे बूंदू कहीं के, रॉन ने कमरे की दूसरी तरफ से चीखा और उसने दैत्य पर धातु का पाइप कसकर फेंक कर मारा। दैत्य को यह पता भी नहीं चला कि उसके कंधे से पाइप टकराया था, परंतु उसने चीख सुन ली और वह एक बार फिर रुक गया तथा उसने अपनी बदसूरत नाक रॉन की तरफ मोड़ी। इस बीच हैरी को पलटकर भागने का मौका मिल गया। चलो भागो भागो, हैरी ने हरमाइनी से चीखते हुए कहा और उसे दरवाजे की तरफ खींचने की कोशिश की, परंतु वह टस से मस नहीं हुई। वह अब भी दीवार से पूरी तरह टिकी हुई थी और दहशत के मारे उसका मुंह खुला हुआ था। चीखने चिल्लाने की आवाजें और उनकी गूंज से दैत्य पागल हो रहा था। वह एक बार फिर गर्जा और रॉन की तरफ बढ़ने लगा जो सबसे पास में था और जिसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। फिर हैरी ने ऐसा कुछ किया जो बहुत बहादुरीपूर्ण भी था और मूर्खतापूर्ण भी। उसने दौड़ते हुए एक ऊंची छलांग लगाई और पीछे से दैत्य की गर्दन पर लटकने में कामयाब हो गया। दैत्य को पता भी नहीं चला कि हैरी वहां लटका हुआ था, लेकिन दैत्य को भी कुछ तो पता चलेगा अगर आप उसकी नाक में एक लंबी लकड़ी डालें। दरअसल हैरी जब दैत्य पर कूदा था तो उसकी छड़ी उसके हाथ में थी जो सीधे दैत्य के एक नथुने में घुस गई। दर्द के मारे कराते हुए दैत्य ने अपने मुदगर को मोड़ा। हैरी अपनी जान हथेली पर लेकर दैत्य से लटका हुआ था। किसी भी पल दैत्य उसके टुकड़े टुकड़े कर सकता था या अपने मुदगल से उसका कचूमर बना सकता था। हरमाइनी डर के मारे फर्श पर लुढ़क गई। रॉन ने अपनी छड़ी निकाली। उसे पता नहीं था कि वह इससे क्या करने वाला था, परंतु तभी उसने अपने दिमाग में आया पहला मंत्र बोला, विंगार्डियम लेवियोसा। अचानक दैत्य के हाथ से मुदगल छूटकर हवा में ऊपर बहुत ऊपर उठता गया।
फिर यह नीचे की तरफ मुड़ा और तेज धमाके के साथ अपने मालिक के सिर से टकराया। दैत्य उसी जगह पर लहराया और फिर औंधे मुंह जमीन पर धड़ाम से गिर गया। उसके गिरने की आवाज से पूरा कमरा हिल गया। हैरी अपने पैरों पर खड़ा हो गया। वह थरथरा रहा था और हाँफ भी रहा था। रौनक भी अपनी छड़ी हवा में उठाए खड़े था और घूरकर देख रहा था कि उसने जाने क्या कारनामा कर दिया। हरमाइनी सबसे पहले बोली, क्या ये मर गया? मुझे नहीं लगता, हैरी ने कहा। लगता है सिर्फ बेहोश हुआ है। वह झुका और उसने दैत्य की नाक से अपनी छड़ी बाहर निकाली, जिसके चारों तरफ गोंद जैसा गंदा सा भूरा पदार्थ लगा था। आह, दैत्य की नाक का मसाला! उसने अपनी छड़ी दैत्य के कपड़ों से पोंछी। अचानक दरवाजे के खुलने और दौड़ने की आवाजें सुनकर उन तीनों ने ऊपर देखा। उन्हें यह एहसास नहीं था कि उनकी वजह से कितना हल्ला मच रहा था, परंतु जाहिर था कि नीचे की मंजिल पर किसी ने गिरने की आवाज और दैत्य की गर्जना सुन ली थी। एक पल बाद प्रोफेसर मैकगोनिगल तेजी से कमरे में आई। उनके ठीक पीछे स्नेप था और सबसे पीछे था क्विरल। क्विरल ने दैत्य की एक झलक देखी, एक धीमी सिसकी जैसी आवाज निकाली और तत्काल अपने दिल पर हाथ रखकर एक टॉयलेट पर बैठ गया। स्नेप दैत्य के ऊपर झुका। प्रोफेसर मैकगोनिगल रॉन और हैरी को देख रही थी। हैरी ने उन्हें कभी इतने गुस्से में नहीं देखा था। गुस्से के कारण उनके होंठ सफेद थे। गरुड़ द्वार के लिए 50 पॉइंट जीतने की आशाएं हैरी के दिमाग से तत्काल काफूर हो गईं। तुम लोगों ने क्या सोचकर यह किया? प्रोफेसर मैकगोनिगल ने अपनी आवाज में ठंडे आक्रोश के साथ कहा। हैरी ने रॉन की तरफ देखा, जो अब भी अपनी छड़ी हवा में उठाए खड़ा था। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम मरे नहीं। तुम लोग अपने कमरे में क्यों नहीं गए? स्नेप ने हैरी पर एक सनसनाती पैनी निगाह डाली। हैरी फर्श की तरफ देखने लगा। वह सोच रहा था, काश रॉन अपनी छड़ी झुका ले। फिर छायाओं के बीच से एक छोटी सी आवाज आई, प्लीज प्रोफेसर, ये लोग मुझे ढूंढ रहे थे। मिस ग्रेंजर, हरमाइनी आखिरकार अपने पैरों पर खड़े होने में सफल हो गई थी। मैं दैत्य को ढूंढने गई थी क्योंकि मैंने सोचा कि मैं अकेले ही उससे निपट सकती हूँ, क्योंकि मैंने दैत्यों के बारे में सब कुछ पढ़ रखा था। हैरी के हाथ से छड़ी छूट गई। हरमाइनी ग्रेंजर और टीचर से सफेद झूठ बोल रही थी? अगर इन्होंने मुझे नहीं ढूंढा होता तो मैं अब तक मर चुकी होती। हैरी ने उस दैत्य की नाक में अपनी छड़ी घुसा दी और रॉन ने उसी के मुदगर से उसे बेहोश कर दिया। इनके पास इतना समय नहीं था कि ये किसी को ढूंढते और उनकी मदद लेते। जब ये लोग यहाँ आए तो दैत्य मुझे बस जान से मारने ही वाला था। हैरी और रॉन ने इस तरह दिखने की कोशिश की जैसे यह उनके लिए कोई नई बात नहीं थी। तो इस स्थिति में, प्रोफेसर मैकगोनिगल ने उन तीनों की तरफ घूरते हुए कहा, मिस ग्रेंजर, मूर्ख लड़की, तुमने एक ऐसे सोच लिया कि तुम दैत्य से अकेले ही निपट सकती हो। हरमाइनी ने अपना सिर झुका लिया। हैरी के पास शब्द नहीं थे। हरमाइनी नियमों के खिलाफ कभी कुछ नहीं करती थी और यहाँ वही उन्हें मुसीबत से निकलने के लिए नाटक कर रही है। यह तो वैसी ही बात हो गई जैसे स्नेप अचानक उन्हें मिठाई बांटने लगे। मिस ग्रेंजर, इसके लिए गरुड़ द्वार के 5 पॉइंट काटे जाएंगे, प्रोफेसर मैकगोनिगल ने कहा। मैं तुमसे बहुत निराश हूँ। अगर तुम्हें चोट ना आई हो तो बेहतर होगा तुम सीधे गरुड़ द्वार टावर में चली जाओ। विद्यार्थी अपने अपने हाउस में दावत के पकवान खा रहे हैं। हरमाइनी चली गई। प्रोफेसर मैकगोनिगल हैरी और रॉन की तरफ मुड़ी। तो मैं अब भी यही कहूंगी कि तुम लोगों की किस्मत अच्छी थी, परंतु फर्स्ट ईयर के ऐसे बहुत कम विद्यार्थी होंगे जो किसी बड़े दैत्य का मुकाबला कर सकते हों। तुम दोनों ने गरुड़ द्वार के लिए 5-5 पॉइंट जीते हैं। प्रोफेसर डंबलडोर की उसकी जानकारी दे दी जाएगी। अब तुम जा सकते हो। वे दोनों तेजी से कमरे से बाहर हो गए और तब तक कुछ नहीं बोले जब तक कि वे 2 मंजिल ऊपर नहीं पहुंच गए। दूसरी बातों को छोड़ भी दें तो भी दैत्य की बदबू से दूर आना अपने आप में बहुत बड़ी राहत थी। हमें 10 पॉइंट से ज्यादा मिलने चाहिए थे, रॉन ने शिकायत करते हुए कहा। तुम्हारा मतलब है 5 पॉइंट से ज्यादा, क्योंकि 5 तो हरमाइन के कारण कम हो गए। यह उसने अच्छा किया कि हमें मुसीबत से बचाया, रॉन ने माना। ख्याल रहे, हमने उसे बचाया था। अगर हमने दैत्य को उसके साथ ताले में बंद नहीं किया होता तो उसे बचाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती, हैरी ने उसे याद दिलाया। वे मोटी औरत के तस्वीर के पास पहुंच गए। पिग स्नाउट, उन्होंने कहा और अंदर घुस गए। हॉल भरा हुआ था और वहां काफी हल्ला हुल्ला मचा हुआ था। हर कोई यह पकवान खाने में जुटा था जो उनके लिए ऊपर भेजे गए थे। बहरहाल दरवाजे के पास हरमाइनी अकेली खड़ी हुई उनका इंतजार कर रही थी। कुछ देर तक बहुत अजीब सी खामोशी रही, फिर उन तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखे बिना कहा, धन्यवाद,
और वे अपनी प्लेटें उठाने के लिए तेजी से चल दिए। उसी पल से हरमाइनी ग्रेंजर उनकी दोस्त बन गई। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें एक साथ करने के बाद आप एक दूसरे को पसंद किए बिना नहीं रह सकते, और 12 फुट के दैत्य को बेहोश करना उनमें से एक है।